कहते किसे हैं? ऐसी या ऐसा पिंड जो अपनी गति को एक निश्चित परिधि में या एक निश्चित मार्ग में बार बार दोहराता रहता है और उसकी जो दिशा होती है मध्यमा की ओर होती है। मध्यमा का मतलब समझते हैं ना, मिडिल, मतलब बीच में। उसकी जो दिशा होगी हमेशा बीच में होती है। मतलब अगर इस पिंड को हम लोग बंद कर दें, मतलब इस झूले को बिल्कुल क्लोज कर दें झुलाना, तो ये कहाँ रुकेगा? यहाँ तो रुकेगा नहीं, ना यहाँ रुकेगा, रुकेगा कहाँ? यहाँ बीच में ही रुकेगा। इसलिए इसकी जो दिशा होती है मध्यमा की ओर होती है। मतलब सरल आवर्त गति किसे कहेंगे? ऐसा पिंड या ऐसी गति जो अपनी माध्य स्थित पे इधर उधर एक निश्चित दूरी में अपनी गति को बार बार दोहराती रहती है, तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं? सरल आवर्त गति कहते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन है, इसकी जो दिशा होती है हमेशा मध्यमा की ओर होती है। मध्यमा का मतलब बीच में होती है इसकी। अगर ये बंद भी हो जाए तो हमेशा इसकी दिशा क्या होगी? बीच में ही रहेगा। मतलब ना तो इधर रहेगा ना तो इधर रहेगा, बीच में ही रहेगा। तो डालिए साथी में सरल आवर्त गति, और ऐसे एग्जाम्पल के रूप में डाल लीजिए, चित्र बना सकते हैं आप कि ये सिंपल आवर्त गति के लिए। इसकी डिफिनेशन लिखेंगे आप, हम पहले आप चित्र बना लीजिए। जब कोई पिंड एक निश्चित समय में एक ही निश्चित मार्ग पर अपनी गति को बार बार दोहराता रहता है, बार बार दोहराता रहता है, तो ऐसी गति सरल आवर्त गति कहलाती है। तो ऐसी गति सरल आवर्त गति कहलाती है, सरल आवर्त गति कहलाती है। अब उसके नीचे डालना है सरल आवर्त गति की विशेषताएं, सरल आवर्त गति की विशेषताएं, सरल आवर्त गति की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं भी इंपॉर्टेंट हैं, तीन विशेषताएं हैं इसकी। तो पहली विशेषता तो यही लिखना है आपको कि सरल आवर्त गति की जो दिशा होती है किसकी ओर होती है? मध्यमा की ओर होती है। पहला नंबर लिखेंगे सरल आवर्त गति की दिशा, सरल आवर्त गति की दिशा मध्यमा की ओर होती है, मध्यमा की ओर होती है। नंबर दो क्या होता है? जब ये पिंड यहां से यहां तक चलेगा तो कोई ना कोई इसकी स्पीड होगी चलने की, और जब यहां से यहां तक जाएगा तो कोई ना कोई निश्चित दूरी तय करेगा। मान लीजिए दूरी तय कर रहा है, जितनी स्पीड से आप झूले को झुलाएंगे उतनी ही दूरी तय करेगा। मान लीजिए ज्यादा कम जो झुला रहे हैं यहां तक जाएगा, तो अगर ज्यादा झुला रहे हैं इसको, ज्यादा दूर से छोड़ रहे हैं तो यहां तक ज्यादा दूर तक जाएगा। मतलब ये आपका एक एक्सेलरेशन काम करेगा, त्वरण काम करेगा। जिस स्पीड से ज्यादा घुमाएंगे उतनी ही दूरी हमारी ज्यादा जाएगी। मतलब इसका तात्पर्य यह है हमारा कि त्वरण विस्थापन के क्या होता है? समानुपाती होता है। विस्थापन का मतलब समझ रहे ना? यहां से पिंड हमने घुमाया
फिर यहां तक गया, फिर यहां तक आया, मतलब अंतिम दूरी और प्रारंभिक दूरी के अंतर को विस्थापन कहते थे, इसे दिखाया गया था। तो त्वरण क्या होगा? विस्थापन के समानुपाती। समानुपाती का मतलब क्या होता है? समानुपाती का मतलब ये होता है, जैसे आपका ए हमने त्वरण लिख दिया और समानुपाती हमने डेल्टा एक्स बना दिया, तो जितना ये बढ़ेगा उतना ही आपका डेल्टा एक्स बढ़ेगा। मान लीजिए इसको दोगुना कर दिया जाए तो ये भी दोगुना हो जाए, इसको तीन गुना कर दिया ये भी तीन गुना हो जाए। मतलब ये है समानुपाती का मतलब ये होता है। जैसे आपका जब समानुपाती एक बार बताया न्यूटन रूटों का सेकंड नियम m1 m2 अपान r स्क्वायर, ये है आपका। तो f जो है आप क्या है समानुपाती, अगर इसको बढ़ाएंगे r को बढ़ाएंगे तो बल f घटेगा, अगर इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, ये विद्यमान पर डिपेंड करता है। और समानुपाती में इसलिए करता है कि जिस प्रकार जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, समानुपाती का मतलब ये होता है। तो जितना हम दूरी को ज्यादा खींच के ले जाएंगे उतनी दूरी ये ज्यादा जाएगा, और जितनी स्पीड से बढ़ाएंगे उतनी दूरी ज्यादा तय करेगा आपका। तो मतलब ये है आपका त्वरण क्या होता है? विस्थापन के समानुपाती में डिपेंड करता है। तो दूसरा नंबर लिखिए, पहला नंबर याद हो गया आपको, पहला नंबर क्या था आपका? सरल हवा की गति की दिशा हमेशा मध्यम की ओर होती है। मान लीजिए विकल्प में आ जाए आप सबने कि सरल हवा की गति दिशा किधर होती है या किस साइड होती है, तो आपका लिखा होगा ऑप्शन में दाएं साइड या बाएं साइड या नीचे या मध्यम में, तो आपको जवाब देना है मध्यम की ओर होती है। तो नंबर तो क्या लिखना है? नंबर याद हो गया होगा, नंबर तो क्या लिखना है? त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है। ठीक है, तो लिखिए सरल आवर्त गति की, सरल आवर्त गति की गति का विस्थापन त्वरण के समानुपाती होता है। त्वरण के समानुपाती होता है, त्वरण के समानुपाती होता है। और नंबर तीन लिख दीजिए, नंबर तीन लिख दीजिए, सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर करती है। सरल आवर्त गति अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करती है, अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करती है। ये तीनों कंडीशन दिया आपकी सरल आवर्त गति, तो सरल आवर्त गति की डिफिनेशन समझ गए आप। डिफिनेशन क्या है आपकी? एक ऐसा पिंड जो अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है, मतलब जितनी समान दूरी, समान समय में समान दूरी तय करता है, मतलब जितना समय इधर लेगा उतना ही समय इधर लेगा, तो ऐसी गति क्या कहेंगे? सरल आवर्त गति कहेंगे। विशेषता मैंने तीन दो लिखाई है आपकी, पहली विशेषता ये है, क्या विशेषता लिखाई है पहली? कि जो सरल आवर्त की दिशा होती है अपनी माध्य की मध्यम की ओर होती है। नंबर दो क्या लिखा है मैंने? त्वरण जो होता है विस्थापन के समानुपाती होता है, या कह सकते हैं विस्थापन जो होता है त्वरण के समानुपाती, एक ही दूसरे का डिपेंडेंट है। तीसरा क्या लिखाया? तीसरा ये है कि सरल और गति अपने निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए दूसरा लिखे, प्रत्यानयन बल, किसी में प्रत्यानयन बल काम करता है। प्रत्यानयन बल, अब प्रत्यानयन बल क्या है? प्रत्यानयन बल किसे कहते हैं? इसी में प्रत्यानयन बल काम करता है। अब ये पिंड अगर इसमें कोई ना कोई बल तो काम कर ही रहा है, तभी यहाँ पर बीच में आने की कोशिश कर रहा है, नहीं तो जब हम लोग खींच करके यहाँ ला रहे हैं इसको झुलाने के लिए, जब हम लोग खींच करके इसके झूले को यहाँ लाए फिर ये पहुंच गए इधर, तो इसमें कोई ना कोई तो बल काम कर रहा है तब ये यहाँ पर आ रहा है, नहीं जब यहाँ पर छोड़ दिया इसको हम तो यहाँ क्यों पहुंच गए? मतलब ऐसा बल जो किसी भी पिंड को अपनी मूल स्थिति में लाने का प्रयास करता है, ऐसे बल को क्या कहते हैं? हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, ऐसा बल या ऐसा पिंड, ऐसे पिंड को हम
जब इधर उधर गति करवाते हैं, वो पिंड अपनी माध्यस्थित में लाने का जो बल काम करता है उसे हम कौन से बल कहते हैं? प्रत्यानयन बल काम करते हैं। जैसे यहाँ पर आए हुए, एक बल हमारा खींच करके घर पहुंचा रहा है, कोई ना कोई तो बल है जो हमें घर पहुंचा रहा है खींच करके, ठीक है। और घर से यहाँ पर आए हुए तो कोई ना कोई तो अट्रैक्शन है जो यहाँ पर लाए हैं। तो लिखेंगे, जब कोई कण रोस्टिंग कोर्स, रोस्टिंग कोर्स लिख लीजिए, रोस्टिंग कोर्स क्या लिखा, जब कोई कण अपनी माध्यस्थित में रहता है, अपनी माध्यस्थित में रहता है तो उस पर लगने वाला, तो उस पर लगने वाला बल शून्य होता है, तो उस पर लगने वाला बल शून्य होता है। परंतु जब कण को सामने स्थित से, परंतु जब कण को सामने स्थित से विस्थापित कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है तो उस पर एक ऐसा बल काम करता है, तो उस पर एक ऐसा बल काम करता है जो उस पिंड को, जो उस पिंड को अपनी माध्य स्थित में, अपनी माध्य स्थित में लाने का, अपनी माध्य स्थित में लाने का प्रयास करता है, प्रत्यानयन बल कहलाता है, प्रत्यानयन बल कहलाता है। फिर से समझ लीजिए, प्रत्यानयन बल किसे कहते हैं? मान लीजिए अभी हमने इस झूले को हमने खींच करके यहां लाए, फिर ये झूला यहां पहुंचेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। मतलब अगर जितनी स्पीड से हम यहाँ से खींच के लाएंगे उतनी स्पीड से यहाँ तक दूरी तक जाएगा, और यहाँ पर एक ऐसी अवस्था आएगी जब ये धीम हो जाएगा, अपनी स्पीड को कम कर देगा, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो बल काम कर रहा है उसे क्या कहते हैं? हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। समझ में आता है उस, इसमें कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट सरल रोलक। अब सरल रोलक किसे कहते हैं? अभी जो हम झूले की कंडीशन पेंडुलम वाली घड़ी का मान बता रहे थे, तो जो आपका पेंडुलम वाली घड़ी में जो छोटा सा चम्मच के आकार का लगा रहता है, तो आपने कक्षा 9 में शायद या कक्षा 12 में फिजिक्स में जो पढ़ा होगा, आपने शायद देख कर किया होगा, तो एक सरल रोलक पीतल के आकार का होता है, छोटा सा रहता है, 100 ग्राम का या 50 ग्राम के आसपास का रहता है, वो इतना छोटा सा रहता है, लगभग 100 ग्राम के आसपास का, हम उसे ही क्या कहते हैं? सरल लोलक कहते हैं। और 1 मीटर इसकी जो लंबाई होगी, 1 मीटर परफेक्ट होती है धागे की लंबाई, इसकी जो लंबाई होगी 1 मीटर, और जिस धागे से बना होता है और जो पीतल का पिंड होता है उसे हम लोग कहते हैं सरल लोलक। इसी सरल लोलक को हम पुश करते हैं और ये ऐसे हुए ये चला जाता है, इस पिंड को हम सरल लोलक कहते हैं। लिखेंगे सरल लोलक, लिखेंगे ऐसा पिंड जो, ऐसा पिंड जो एक भारहीन, ऐसा पिंड जो भारहीन 1 मीटर धागे की लंबाई से बंधा होता है सरल लोलक कहलाता है, सरल लोलक कहलाता है, सरल लोलक कहलाता है।
अच्छा एक चीज ये समझ में आ रहा है कि भारहीन, भारहीन का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब उसका कोई भारी नहीं होता जी, भारहीन इसलिए एक शब्द जुड़ गया है, उसमें ऐंठन नहीं होता, ऐंठन का मतलब समझ रहे हैं ना जी। कोई भी धागा, आप कोई भी धागा लीजिए आप, लेकिन उसमें ऐंठन जरूर होगा। आप किसी भी धागे को किसी भी पिन से बांध दीजिए, वो घूमता रहेगा, घूमना चालू कर देगा। आप धागे में देख लीजिए, किसी भी धागे को बांध दीजिए आप, वो घूमना चालू कर देता है। क्यों घूमना चालू कर देता है? कोई भी धागा बना होता है तो आप देखेंगे ऐसे करके बना होता है, लेकिन वो जो धागा होता है, जो एक मीटर का जो लिया जाता है, उसमें ऐंठन नहीं होती है। ऐंठन कौन सा नहीं होता है? अभी मार्केट में देखते होंगे, शायद आप देवी देखने जाते होंगे, तो कोई गुब्बारा वाला लिए होता है, कोई कुछ के लिए होता है, तो बड़ा सा एक मीटर का धागा है, रेड कलर का धागा होता है या काले रंग का धागा होता है, उसमें ऐंठन नहीं होती। देखिएगा कभी आप कोई बांधे क्या गले में, कोई हाथ निकाला धागे बांधे, उसमें ऐंठन नहीं होता है। तो वो उस धागे को हम क्या कहते हैं? भारहीन धागा कहते हैं। इसको 1 मीटर ही लेते हैं, 1 मीटर इसलिए लेते हैं कि जो आपका टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी जो होता है, तो जी की वैल्यू निकालने के लिए जो 9.8 आता है, इसको इसके लिए हमें एल की लंबाई 1 मीटर लेते हैं। अगर 1 मीटर नहीं लेंगे तो जी की वैल्यू 9.8 नहीं निकलेगी। करके देख लीजिए आप, इसका आवर्तकाल टाइम आर पीरियड आपका इसका 2 सेकेंड होता है। यहाँ पर 2 रख दीजिए, यहाँ पर 2 पाई, पाई का मान 3.14 रख दीजिए, पाई का मान पता है ना 3.14 होता है। देखिए फिजिक्स में जब लेंगे 3.14 लेंगे, जब ट्रिग्नोमेट्री में चलेंगे तो आपका 180 लेंगे, जब मेन सोल्यूशन में चलेंगे तो 22/7 लेंगे। हालांकि 7 का भाग 22 में देंगे तो 3.14 आएगा, लेकिन यहाँ पर 3.14 लेंगे। एल की लंबाई आप ले लीजिए 1 मीटर, और जी का मान नहीं पता हमें तो जी का ऐसे रख दीजिए, दोनों पर 2 से 2 कटिंग कर दीजिए, और कर दीजिए रूट हट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, जी की वैल्यू 100% 9.8 निकल के आएगी। तो सर ये डेफिनेशन जी की वैल्यू निकालने के लिए है क्या? ये टाइम आर पीरियड के लिए रहता है, अर्थात जी निकालने के लिए। हाँ झूले की बात नहीं करते हम यहाँ पर, समय अवर कैसे तो उस रस्सी को, रस्सी को नाप लीजिए कितनी है, रस्सी को नापना पड़ेगा। फाल जी कोई आवश्यकता नहीं, अब वो कितना मीटर जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं आता, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना जा रहा, यहाँ से यहाँ तक आने में भी, यहाँ से यहाँ भाई ये देखिए, ये आधा चक्कर हुआ आपका, ये हाफ चक्कर हुआ कि नहीं हुआ? और जब ये लौट के इधर ये आएगा तो पूरा चक्कर हुआ। एक चक्कर का समय देख लीजिए कितना हो रहा है, वो समय मान लीजिए 1 मिनट लग रहा है, ये 2 मिनट लग रहे हैं, तो 2 मिनट रख लीजिए आप, और उसकी ये जो रस्सी है, रस्सी की लंबाई देख लीजिए कितनी ले रहे हैं आप, जहाँ से बंधी है और जो झूले से ले रहे थे, यहाँ से लंबाई ले लीजिए, और जितनी है जो इनकी लंबाई रख दीजिए। अब पाई का मान आपको पता है, यहाँ से जी का मान ये निकाल लेंगे आप, निकलेगा उतना ही मान। चार्ज भाई दूरी बढ़ाएंगे, लंबाई बढ़ाएंगे तो घटे पीटेंगे कुछ, लेकिन जी का मान उतना ही निकलेगा, 9.8 ही निकलेगा। हाँ 9.81 भी निकल आएगा तो 9.8 ही लेना पड़ेगा, या 9.78 कुछ निकलेगा, लेकिन इसको 8 को हटा करके 7-8 इसको 8 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन आएगा उतना ही 9.8। जितना बढ़ा लीजिए दूरी को, लंबाई को कितना भी कर लीजिए आप, कितना भी कर लीजिए, तो समय आपका बढ़ेगा, समय बढ़ेगा भाई, समय तो बढ़ेगा, लेकिन इसका जो सरल आवर्तक जो ये प्रयोगों द्वारा निकला है, तो इसका टाइम आप 2 सेकेंड ही होता है, इसको सेकंड रोलर बोलते हैं। अब हेडिंग डालिए, ध्वनि, हेडिंग डालना है ध्वनि, ध्वनि समझे, ध्वनि के अंदर समझना है तरंग गति, इसको वेग बोलते हैं, वेग ऑफ मोशन। तो तरंग गति समझिए, कैसे समझना है तरंग हमारी कैसे कैसे चलती है, शायद आपने देखा होगा, और कभी कभी ऐसे हम लोग घर में प्रैक्टिकल करते हैं, उससे संबंधित तो कर लेते हैं, लेकिन जब उसकी डिसीजन नहीं पता है तो हम उसके बारे में नहीं जान पाते। कई ऐसे घर में एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आप शांत जल है कोई,
उसमें आप जाइए एक कंकड़ मार दीजिए उसमें आप, तो देखेंगे ये मान लीजिए तालाब है कोई भरा है पानी, उस मॉर्निंग में आप सुबह सुबह जाइए, क्योंकि कोई ना वहाँ पर कुछ कर रहा हो या कर भी रहा होगा तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जल शांत हो आपको कोई मतलब खलबली ना मच रही उसमें, तो आप क्या देखेंगे एक कंकड़ उसमें डाल देंगे, काफ़ी दूर से फेंक देंगे आप, ऐसे नहीं धीरे से डाल दें, काफ़ी दूर से डालना है, तो मान लीजिए ये देखेंगे कि इस तरह से पाइपिंग जो आपका तरंग निकलेगी तो बहुत बड़ी जाएगी और वो किनारे तक जाएगी, फिर तुरंत आप देखेंगे कि एक तुरंत फिर उठेगी, फिर वो किनारे तक जाएगी आप, फिर वो मतलब वो अनगिनत निकलती ही रहेगी, अगर दोबारा फिर मार देंगे तो अनगिनत वो निकलती रहेगी, तो ऐसे जो उत्पन्न होती है तो ये क्या कहलाती है आपकी तरंगें कहलाती है। दूसरी तरंग कैसे समझना है, एक रस्सी को आप इन तरंगों को फिर आपका दूसरा नाम हो जाता है, अभी आपको सिर्फ हम तरंग बता रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक रस्सी बांध दिया, ये रस्सी बन गई, रस्सी को हम क्या करते हैं इधर से पकड़ करके अब झटका दे दिया, तो झटका जब दे देंगे तो रस्सी यूं करेगी आपका, करती रहेगी शायद किया होगा आपने, तो इसमें अगर आपने फिर देखा हो, दूसरी बात एक स्प्रिंग ले लीजिए, एक स्प्रिंग में हम लोग क्या करते हैं एक ऐसा पिंड लटका दीजिए, ये पिंड लटक गया मान लीजिए एम तक मान लो कोई पिंड लटक गया, दूसरी कंडीशन में क्या कर दिया हमने इस पिंड को खींच करके क्या कर दिया छोड़ दिया, तो ये स्प्रिंग ऐसे बन जाए, बन जाएगी ना, तो जहां पर पिंड या ये स्प्रिंग ऐसे होगी कि जरूरी नहीं है कि इन जो ये जो आपकी स्पेस है तो बराबर में हो, जरूरी नहीं है, तो जहां पर ज्यादा स्पेस होगा उसका नाम दूसरा होगा और जहां पर कम स्पेस होगा उसका नाम दूसरा होगा, तो उन नामों का कभी कभी पूछ लेता है आपका कि उन नामों क्या है, इन नामों का क्या है, और श्रृंग और गर्त, ऊपर वाले को श्रृंग कहते हैं नीचे वाले को गर्त कहते हैं, इनको क्या कहते हैं बताइए, जो मान लीजिए यहां पर इस तरह हो गया, यहां पर ऐसे हो गया, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं बेटा जहां पर जैसे कि थोड़ा सा दिहाटी लग मिल जाते हैं, जहां पर मान लीजिए गेहूं अभी बोने का टाइम आ रहा है, तो ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि हम दो प्रकार से बोते हैं, तो सीधी माध्यम से बोते हैं और ज्यादा देर हो रही है तो हम लोग ऐसे पूरा छींच दिया और जुताई कर दिया, तो अपने में से काम करता है, ठीक है, मतलब फिर वो जो सीरीज के माध्यम से जाता है तो एक अनुपातिक में जाता है गेहूं, तो एक ही सीरीज में जानता है आपका, जब ऐसे हम लोग कर दिया तो पता नहीं कहीं ज्यादा पड़ गया कहीं कम पड़ गया, तो जब ज्यादा कहीं गेहूं जम जाते हैं तो उनको उसी समय क्या कहते हैं, अरे बहुत ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा यहाँ पर ज्यादा हो गया घना हो गया, तो वहां पर भौतिक विज्ञान की भाषा में लोग कहते हैं सघन, इस सको गांव वाले व्यक्ति सको हटा लेते हैं वहां पर घन कह देते हैं, जबकि हमारे घन के कई नाम, घन का मतलब होता है क्यूब, घन का मतलब एक लोहार का जो एक जो हथौड़ा होता है उसको भी घन कहते हैं, घन का मतलब एक और होता है जैसे कि हमारी माताएं बहनें जो पटकती हैं तो सूपा जानती है, सूप जानते होंगे शायद, हटकने वाला सूप जो एक बार में जो लिया जाता है उसको भी घन कहते हैं, एक बार में जो भटकने में यूज किया जाता है जैसे मान लीजिए 1 kg या 2 kg या आधा kg जो एक बार में भटकने में यूज करते हैं उसको हम लोग भी घन कहते हैं, तो घन का ये बिना हो जाता है, तो वहां पर किसान लोग क्या कह देते हैं ये सको हटा देते हैं सघन माध्यम कहते हैं, और जब ज्यादा स्पेस हो जाता है उसको क्या कह देते हैं विरल माध्यम, तो इसको कहते हैं विरल माध्यम, इसको कहते हैं विरल माध्यम, इसको कहते हैं सघन माध्यम, मतलब जहां पर स्पेस कम होगा वो उसको कहते हैं आपका सघन माध्यम, और जहां पर आपका स्पेस कम होगा ज्यादा होगा उसको कहते हैं विरल माध्यम, समझ गए ना, इस रस्सी में जो उत्पन्न होती है तरंगे वो श्रृंग और गर्त के रूप में चलती हैं, तो ऊपर वाले को श्रृंग कहते हैं, ऊपर वाले को श्रृंग कहते हैं और नीचे वाले को गर्त कहते हैं, ठीक है, हाँ, तो ये कुछ चीजें चलने में भी डिपेंड करती हैं, कुछ निर्वात में चलती हैं, कुछ अनुग्रह होती हैं, कुछ अनुप्रस्थ होती हैं आपका, शरीर श्रृंग और गर्त उठती है वो अनुप्रस्थ
अंगस्थ चलती है और ये आपका अंगर, तो इनका भी दो नाम हो जाते हैं। आप अभी मैंने बताया तरंग भी दो तीन प्रकार की हो जाती हैं आपका, अभी तो सिर्फ आप तरंग ही पढ़ेंगे, ठीक है। तरंगे भी चलने के ऊपर डिपेंड है, गर्भ में चल रही है, स्ट्रिंग में चल रही है, तो रस्सी आपको क्वेश्चन बेस में आ जाता है कि रस्सी में उत्पन्न तरंगे हैं, तो लिखा होगा कि अंग्रस्त है या अंग्रैव है या ए बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। अगर आता होगा आपको तो बता देंगे, या फिर क्वेश्चन बेस में लिखा होगा आपका कि रस्सी में उत्पन्न होती है तो लिखा होगा श्रृंगद या आपका सघन या विरल माध्यम या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो अगर आता होगा आपको तो बता देंगे, नहीं आता होगा तो नहीं बता पाएंगे। एक क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा तो लिखेंगे, पहले हेडिंग आता है आपको तरंग गति, तरंगों के द्वारा परितरंग डाला है, सिर्फ तरंग डाला है पहले, तरंगों के द्वारा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है, तथा तरंगों को दो भागों में बांटा गया है, तो नंबर एक डालना है लेकिन भाई आपको नंबर एक डालना है यांत्रिक तरंग, क्या होती है ऐसी तरंग जो ठोस में भी चले, द्रव में भी चले, गैस में भी चले, तो क्या कहलाती है आपकी यांत्रिक तरंगे कहलाती है, ठीक है। अब कुछ ऐसी तरंगे होती हैं जो सिर्फ द्रव में जाती है, गैस में जाती है, ठोस में नहीं जा पाती, ठीक है, तो उनको दूसरा कुछ कहेंगे, तो लिखेंगे यांत्रिक तरंगे वे तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम को से ब्रैकेट में ही लिखना है, तो पदार्थिक माध्यम के बाद आगे ब्रैकेट लगाना है, क्लोज करना है, ठोस कामा द्रव कामा गैस, मतलब कि पदार्थिक माध्यम हमारे तीन माध्यम हो सकते हैं, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, क्लोज कर दीजिए में संचरित होती है, संचरित का मतलब होता है चलना, में संचरित होती है यांत्रिक तरंगें कहलाती है, इन तरंगों के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इन तरंगों के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तथा यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं। अब यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं, मतलब समझ गए, जैसे फैन को चलने के लिए विद्युत की आवश्यकता है, विद्युत चली गई तो आपका फैन नहीं चल सकता, तो जो आपका यांत्रिक तरंगे हैं, यांत्रिक तरंगे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि आपका वायु की आवश्यकता चाहिए या किसी बिजली की आवश्यकता चाहिए या किसी व्यक्ति की आवश्यकता चाहिए, किसी की आवश्यकता नहीं चल रही है, वो सिर्फ सिर्फ चलती है ठोस द्रव गैस में नहीं चलती, मतलब किसी के विकलांग मन में नहीं चलती, तो इसमें नंबर एक लिखेंगे अनुप्रस्थ तरंग, नंबर एक अनुप्रस्थ तरंग। अब अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, इसके चलने के लिए आपका कोई ना कोई माध्यम चाहिए, और जो इसकी दिशा होती है ये जैसे आपका अभी बताया मैंने
इसलिए रस्सी में उत्पन्न तरंग है। अभी रस्सी में बताया कि उपज तरंग होती है। तो जैसे ये है आपका, ये कंडीशन है आपका। अब यहां पर देख लीजिए, ये जो इसकी दिशा होती है अपने मूल घर के लंबवत में होती है। इसकी जो दिशा होती है अपने मूल घर के लंबवत है। लीजिए यहां से चला, यहां पहुंचा, लंबे में आ गया। हालांकि यहां भी कोई ना कोई कोण बना रहा होगा, फिर यहां पहुंचेगा, फिर यहां पर कोई ना कोई लंब बना लेगा, फिर यहां से यहां पहुंचा, फिर लंब बना लेगा। मतलब इसकी दिशा लंब से हट नहीं सकती, एक लंब से हट जाए। तो कोशिश करने के बावजूद भी अगर क्वेश्चन बेस में आ जाए कि आपका अनुप्रस्थ तरंग की दिशा कैसे होती है, तो आपको बताना है अपने मूल कण के लंबवत होती है। उसे विकल्प में लिखा होगा समांतर होती है, या लंबवत होती है, या आपका ऊर्ध्वाधर दिशा होती है, सॉरी दाएं होती है, बाएं होती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको बता दिया कि लंबवत होती है। तो इसमें लिखेंगे, जब किसी माध्यम में तरंग की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। इसमें नोट लिखना है आपको, इसी के नीचे नोट डालना है। अनुप्रस्थ तरंग श्रृंग और गर्भ के रूप में चलती है। ऊपर वाले को क्या कहते हैं भाई? श्रृंग कहते हैं। और नीचे वाले क्या कहते हैं? गर्भ कहते हैं। बताइए, जैसे दोनों में आप अंतर लिखवा दें तो अंतर लिखवा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, डिफिनेशन लिखवा कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो डिफिनेशन लिखवा देंगे तो अंतर लिखवा देंगे कोई दिक्कत नहीं मिलेगी, है ना? तो डिफिनेशन लिख जाएगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। अंतर आप निकाल लेंगे डिफिनेशन बताने के बाद। अब डालना है अनुदैर्ध्य तरंगे, बी नंबर डालना है अनुदैर्ध्य तरंग। अब जो इसकी दिशा होती है या तो अपने कंपन के समांतर होती है, और या तो फिर आपका अंदिश बोलते तो भी ठीक है। अंदिश का मतलब भी समांतर होता है और समांतर का मतलब भी अनुदिश होता है। दोनों में एक ही चीज है। लिखेंगे, जब किसी माध्यम में तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों की कंपन करने की दिशा के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समांतर होती है तो ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और विरल
यह सघन और विरल माध्यम के रूप में चलती है। क्वेश्चन में जहां पर सघन लिखा है वहां पर आप संकीर्ण लिख सकते हैं। कभी कभी जैसे नाम आ जाए तो फिर यह ना सोचिएगा कि ये पढ़ाया नहीं गया है, ठीक है, तो उसमें हम लोग संकीर्ण लिखा है। आप कुछ मैंने आपको पहला नंबर बताया था कि यांत्रिक रंग, यांत्रिक रंग दो पार्ट होते हैं, अंतरस्थ रंग और अंगत रंग। इसका भी पार्ट रह गया है दूसरा पार्ट जिसमें आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे, नंबर दो विद्युत चुंबकीय तरंगे। सब लिखा रहा हूँ मैं, सबका अलग अलग है। आप सोचेंगे कि किसमें बताऊं, आप कहेंगे कि इसमें वायु बताइए, पानी बताइए, ट्रेन की पटरी में अलग बताइए, तो मैं सब लिखा दूंगा इकट्ठा करके, ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा। सबकी स्पीड भी आएगी, वायु में घर की चाल 332 भी होती है, कोई 330 भी दिखाता है, बल्कि न्यूटन में हम जब यूज करते हैं तो उसमें शायद आपने इंटर में फिजिक्स पढ़ा होगा तो डॉपलर का प्रभाव पढ़ा होगा, शायद आपने डॉपलर का प्रभाव कभी न्यूमेरिकल में 330 दे देता है या कभी 332 दे देता है, वो तो न्यूमेरिकल पर डिपेंड रहता है सॉल्व बनाने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर ज्यादा ठीक रहता है। लेकिन हालांकि वहाँ पर 330 ना आए तो 332 लिखना है और 332 ना आए तो भी 330 लिखना है, ये मतलब। क्या लिखा, विद्युत चुंबकीय तरंगे या अयांत्रिक तरंग लिख सकते हैं। यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त उसमें लिखना है क्वेश्चन में, यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त एक दूसरी प्रकार की तरंग भी होती है जिनके चलने के लिए यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त एक दूसरी तरंग होती है जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तथा वे तरंगे निर्वात में भी जैसे आपका बारह होता है वहां पर भी चल सकते। आपको देखा होगा शायद कोई मकान घर बना हुआ है, हम यहां से चिल्लाते हैं तो डबली आवाज करके निकालता है, ठीक है, तो वहां से हमारा ये निर्वात हो गया क्योंकि हवा का माध्यम वहां नहीं पहुंच रहा, तभी अब हमारे लौट करके यहाँ आ रही है तरंग, उसका जो ध्वनि है हमारी लौट करके परिवर्तित हो रही है। अगर वो हवा हमारी उधर चली जाती तो फिर लौट करके हमारी आवाज इधर ना आती। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई पाइप पड़ा होता है या कोई समरसेबल का पाइप लगवाते हैं, हम उसके अंदर बोलते हैं हेलो हेलो, तो उसमें कई बार हेलो हेलो की आवाज आती है, तो वहां पर निर्वात हुआ। तो अगर वहां पर हवा का माध्यम होता तो वो हमें दोबारा आवाज निकालता ही नहीं, तो उसे हम लोग निर्वात बोलते हैं। गुब्बारा ले लीजिए, अभी मार्केट में मिलते हैं जैसा गुब्बारा, उस पर आप बोलिए हेलो हेलो तो भी आपका दोबारा आवाज आ जाती है, इसमें कभी बोल के देखिएगा कैसे। हाँ फूला दिए ना तो आप ले, बड़ा सा फूला ले लीजिए आप, फिर उसी के बगल में बोल के देखिए तो उसकी आवाज टकराएगी आपसे, वो उधर नहीं जा पाती है, देखिएगा ध्वनि नष्ट होती नहीं है, ठीक है ना, ध्वनि उस जगह भी नष्ट नहीं होगी, वो परिवर्तित होगी आपकी, क्योंकि आप क्या नहीं पाया, वायु का माध्यम नहीं पा पाया इसलिए परिवर्तित हो गई। अब वायु का माध्यम पा जाता तो आपकी तरफ सुनाई नहीं देती, वो दूसरी तरफ सुनाई देती आपको, ठीक है, इसमें कोई क्या, ठीक है, क्या लिख लिया,
इसमें माध्यम को सत्ता नहीं होती है, निर्वात में भी चल सकती है। जैसे भी लिख लीजिए, प्रकाश तरंगे रेडियो तरंगे एक्स तरंगे, एक्सरे जानते हैं ना, एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे तरंगे आदि, एक्सरे तरंगे आदि। जब भी आपने कभी देखा होगा एक्सरे कोई करवाता है तो ज्यादा देर तक नहीं वहां खड़े होने दे दिया जाता है, मुश्किल से 10 से 12 सेकंड तक खड़े होने देते हैं, बाकी उसको हटा देते हैं। भाई हटो यहां से। जो एक्सरे करता है उसको ज्यादा दिन तक वो जी नहीं पाता है, मतलब उसको कैंसर हो जाता है। जो एक्सरे डॉक्टर करता है तो वो ज्यादा दिन तक जी नहीं पाता है, या तो फिर नौकरी छोड़े और या तो फिर कैंसर हो जाएगा, वो करते करते ही उसको कैंसर हो जाता है। इसलिए ज्यादा देर तक मरीज को वहां तक ठहरने में नहीं दिया जाता है, मुश्किल से 10 से 12 सेकंड तक ठहर दिया जाता है, हो गया एक्सरे हटो, ठीक है। लेकिन अब पैसे भी तो बचा ही पड़ता है, वो तो बारे करे करेगा, ठीक है। तो लिखेंगे कुछ विद्युत चुम्बकीय तरंगे, कुछ विद्युत चुम्बकीय तरंगे लिखेंगे जो उनकी स्पीड दी गई है, जो अभी पहले से आप ये दिखा दीजिए, वो दिखा दीजिए, तो वो मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ लिख देना पेज से, तो दो तीन पार कर लेना है विद्युत। यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर पक्का मिलेगा, विद्युत चुंबकीय तरंग ये है आपके खोजकर्ता। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है इसे खोजकर्ता कौन है। तीसरा है आपका तरंग दैर्ध्य परिसर, तरंग दैर्ध्य परिसर तो मतलब दूरी कितनी होती है, कितनी दूर तक जा सकती है, और इसकी है आपकी आवृत्ति कितनी हर्ट्ज तक रहेगी, इसका दे देता हूं उपयोग, समझ गए ना। पूछ लेता है कि एक्सरे का उपयोग कहाँ करते हैं, एक्सरे का खोज कर कौन है, रामचंद जी ने, ठीक है। क्या नाम है सर? तो पहला नंबर का है आपका गामा किरण, इसका खोज करता है बैरवर जी ने। बैरवर जी इसकी तरह क्या होती है, परिसर 10^-14 मीटर से, 10^-10 मीटर तक, इसलिए आवृत्ति होती है 10^-20 से 10^-18 तक होती है, और इसका उपयोग होता है नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया, तथा कृत्रिम रेडियो धर्मिता, इसका उपयोग ना कि संलग्न होता है ना कि विखंडन होता है, दोनों में यूज करते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया कह दिया उसने, अब नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया से ये तो नहीं था कि नाभिकीय संलग्न है कि नाभिकीय विखंडन है, तो दोनों में यूज करते हैं। इसका यूज इसलिए करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा नाभिकीय विखंडन जानते किसे कहते हैं, जब नाभिकीय विखंडन में रीजन बता रहा हूं मैं आपको, जब दो या दो से, जब कोई कण को दो या दो से अधिक कणों में तोड़ा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। पहले तो महाराष्ट्र का नाम सुना होगा, महाराष्ट्र में एक कोयलारी गांव है, कोयलारी शहर है, घुघुस शायद सुना होगा, वहां से कोयला खदान जानते हैं आप, नहीं जानते, तो कोयला की खदान जहां पर होती थी या पहाड़ आप देखे होंगे, तो पहले इतना विकसित डेवलपमेंट नहीं था, को पहले बम रख दिया जाता, रिमोट सिस्टम था नहीं पहले, और जहां पर मान लीजिए हमें उसको तोड़ना है या बम विस्फोट करना है
बहुत दूर वहां पर बम रख दिया, अब वहां से रिमोट तो चलते नहीं था, वहीं से दो तो तार जोड़ के चले आए, कम से कम 10 किलोमीटर दूर जाकर के अब उसको भिड़ाते हैं, दोनों आपस में भिड़ाते हैं, उनका चिंगारी करते हैं, यहाँ चिंगारी पर भी वो फूट बम फूट गया, ठीक है। तो उसमें आपका यूज किया, अब तो आपका रिमोट सिस्टम है, कंट्रोलर रिमोट से कंट्रोल, तो उसमें रिमोट कंट्रोलर भी यूज किया है, ठीक है। दूसरा नंबर देखेंगे हम एक्सरे, एक्सरे तो आप जानती हैं, एक्सरे के इसका रंजन ही ने किया था, 10^-10 मीटर से 10^-8 मीटर तक होता है इसका, इसकी जो आवृत्ति होती है 10^-18 से 10^-16 तक होती है, ठीक है। इसका उपयोग तो आप लोग जानते हैं चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र, चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र। नंबर 2003 में पहला गर्मी के अल्ट्रा वायलेट के, हाँ इस समय अल्ट्रा वायलेट जो किरण हमारी है बहुत खतरनाक होती है। अभी आपने सुना होगा शायद, अभी ब्लैक होल का अभी पेपर में बहुत दिन तक ब्लैक होल तो चलता रहा है, पेपर में बहुत ज्यादा आता रहा है, जब उस वक्त की बात है जब चंद्रमा में गए थे व्यक्ति, पेपर में काफी। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, पराबैंगनी के 16 किलोमीटर की जो आपका ओजोन परत है, अभी आपने देखा कि अभी 3 बजे आए 4 बजे आए तक इतना पानी बरसा, बहुत पानी बरसा, पेपर में आउट हुआ होगा कि काफी लोग घर गिर गए, नदी में इतनी बाढ़ आ गई, तब भी पसीना आने का रूप नहीं रहा, किस लिए नहीं रुक रहा, पहली बात तो हमारी ही कमी है, हमारी कमी किस लिए, कोई कच्चे मकान में रहना नहीं चाहता, कच्चे मकान में जब रहना चाहिए तो एसी लगवाता है, एसी के जो आपका भाप बन के जो बाहर निकल रहा है गर्मी, वो कहाँ जाएगी, वातावरण में, एनवायरनमेंट में जा रही है, तो इसके कारण से गर्मी हमें लग रही है। और जो आपका फ्रिज है, फ्रिज में कौन सी गैस रहती है आप लोग जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहती है, जो आपका नियमित गैस रहता है, तो यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ही रूप है वो, तो मतलब ये गैस आप लोग जानते हैं कितनी खतरनाक है, आपको ये गैस है आपका एनवायरमेंट में पहुंचती है आपका, तो इसके कारण से हमारा ओजोन परत में जो 16 किलोमीटर का आपका थैली मोटी है उसमें छिद्र हो गया है। मैं तो देखने नहीं गया हूँ, बताई बात मैं भी देख रहा हूँ पेपर में जो पढ़ा, वैज्ञानिकों ने जो वहाँ पर सर्च करने गए तो उन्होंने कहा 16 किलोमीटर जो परत है हम मापने गए हैं, और ओजोन परत के क्वेश्चन में आ गया था, ओजोन जो परत होती है वो किससे मापते हैं, वेरी गुड डब सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए जब उसकी इकाई जो है डॉपसन है, बहुत बार पूछा गया है डॉपसन, इसको लर्न कर लीजिएगा, लिखा दूंगा परेशान नहीं होगा। तो पराबैंगनी जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं उस कारण से हमें इतनी गर्मी लग रही है, क्योंकि सूर्य किरणें सीधे पृथ्वी पर आ रहे हैं, पहले जब उसमें छिद्र नहीं था तो वो काफी ज्यादा उसको गर्मी को रोक लेती थी, अब वो सीधे किरणें जमीन पर आ गई, इसलिए हमारे 48 डिग्री या 48 टेम्परेचर हो जाता है, इस कारण से 52 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच चुका है, या 48 से 49 तक रहा है, 50 तक गया होगा, तो इतनी ज़्यादा इसलिए गर्मी लग रही है, ठीक है ना। तो इन किरणों को सीधे सूर्य से पृथ्वी में आ गए, और ये कारण किस रूप से, ये हमारी देर या आपकी देर, हमारी का मतलब तो इसकी खोज किया था रिटर जी ने, और इसकी जो परिसर है 10^-8 मीटर से 10^-7 मीटर तक, और इसका जो आवृत्ति है 10^-16 से 10^-14 तक, इसका उपयोग है आपका सिंचाई करने में,
शायद न देखा होगा, बता रहा हूं। तम प्रकाश वैद्युत प्रभाव में प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में सिकाई करने का मतलब, जैसे आपने देखा होगा किसी के पेट में सूजन आ जाती है या गैस बन जाती है पेट में, तो एक थैली नुमाकार डॉक्टर देता है और उसमें आपका यही कीड़े भरी रहती है या किसी कारण से उसमें जो द्रव लिक्विड भरा रहता है उसमें वो मिला देते हैं, तो वो आपका सिकाई करने में यूज किया जाता है। जो भी आपका पेट संबंधित जो गैस होती है उसे सिकाई करने से आपका फिसक जाता है, तो वहां पर यूज किया जाता है। नंबर अगला है दृश्य विकिरण। दृश्य का मतलब जो दिखाई देता है। दृश्य विकिरण जी ने न्यूटन जी ने खोज किया था और इनकी जो तरंग की पैसा होगी 3.9×10⁻¹⁷ मीटर से 7.8×10⁻¹⁷ मीटर तक, ये 10^14 से 10^12 तक होती है और इसकी जो है वस्तुएं दिखलाई पड़ती है। इससे मतलब अगर प्रकाश ना होता तो वस्तुएं दिखाई नहीं देती। आगे है अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण जी है इनके हर्सल, इसका है 7.8×10⁻¹⁷ मीटर से 10⁻³ मीटर, ये 10^12 से 10^10 है। इसका उपयोग किया जाता है आपका कोहरे में फोटोग्राफी करने में। टीवी के प्रकाश का उत्पन्न होता है। आप देखिएगा घर में शायद टीवी होंगी आपके पास, तो इसके प्रयोग जरूर से जरूर करिए, आज ही करेंगे ठीक है। उसमें भर दी जाती है, अच्छा उसका खराब हो जाता है तभी कहते हैं रिमोट काम नहीं करता। कौन सी और उत्पन्न करने के लिए जैसे आपका डायोड हो गया, ट्रायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, इनसे उत्पन्न करते हैं। जो देखा होगा आपने इतनी ज्यादा जैसे डायोड की वैल्यू से खत्म हो गई हमारी, या कोई ना कोई प्लेट
प्लेट जो कसी होती है, प्लेट में जो डायोड है, ट्रांजिस्टर खोल के देखिएगा, रेजिस्टेंस है जो ओम लगे होते हैं तो उनसे उत्पन्न किया जाता है उसमें। अगला है लघु रेडियो तरंग। छह तारीख को मांगूंगा, इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है।